मैं रविंदर द्विवेदी, नेशनल प्रेसिडेंट, एंटी करप्शन कमेटी एलियस, भ्रष्टाचार नूर समिति में सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूं। आप सभी का सहयोग मांगता हूं। एंटी करप्शन कमेटी 21 वर्षों से संपूर्ण भारत में अगेंस्ट करप्शन क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। एक ऐसी संस्था है जिसके 26 लाख मेंबर संपूर्ण भारत में ब्लॉक स्तर, तालुका स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर पूरे भारत में काम कर रहे हैं। इस समिति की तरफ से 26/11/2002 से 7/1/2007 तक संपूर्ण भारत में 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो रैली महाराष्ट्र के मुंबई से निकल करके ये 26 प्रदेशों से होते हुए 50 जीप कार, 50 मोटरसाइकिल, 500 कार्यकर्ताओं के साथ ये रैली मुंबई पहुंचती थी। 60 दिनों तक इस रैली के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में 5 वर्षों तक हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण किया। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदेश सरकारें इस समिति का कोई भी सहयोग नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार हमेशा इस समिति को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए लगी हुई है, जो कि यह पहली एनजीओ है जिसके 26 लाख सदस्य पूरे भारत में काम कर रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जो आपने लॉकडाउन किया है, देश के लिए काम कर रहे हैं, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने समाज के लिए, देश के लिए लॉकडाउन किया है, 8वां दिन चल रहा है, आपने क्या देश की जनता को मैसेज तो दे दिया कि हमने लॉकडाउन कर दिया है, क्या आपने किसी को खाना पहुंचाया है, किसी को आपने फंडिंग किया है, क्या आपने किसी के लिए कोई हेल्प करके कोई आपने ऐसा कोड टोल नंबर दिया है, क्या आपने किसी भी आईएएस ऑफिसर को या आईपीएस ऑफिसर को ऐसा इन्फॉर्म किया है, किसी मंत्री को इन्फॉर्म किया है कि तालुकाओं में जाकर के, जिलों में जाकर के, प्रदेशों में जाकर के जनता तक सामग्री पहुंचाए? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, हमारे गुजरात के अध्यक्ष मुकेश खत्री जी, तमिलनाडु के अध्यक्ष नरेश कटारिया जी, हमारे वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष उमाकांत सिंह जी, प्रभारी हरि मंडल जी, और साथ साथ में हमारे बिहार के अध्यक्ष हमारे श्री झा साहब, साथ साथ में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के साथ साथ के हमारे कमेटी के लोगों को यह विवेचना किया, उनको खेद प्रकट किया, उनको धमकी दिया कि ये काम हमारी सरकार का है, ये काम आपका नहीं है, आप लोग खाना देना बंद करो। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमारे सुजीत कुमार जी ने पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी सूची है, किसी फोन नंबर है, किसको खाना पहुंचाया है, किसको आपने दान दिया है, किसको आपने अनाज पहुंचाया है, क्या किसको आपने आज तक कोई सूची ऐसा है? तो उन्होंने बोले कि ये काम हमारा है, हमारे गोपनीय ये लिस्ट हमारी है। तो हमारे सुजीत कुमार जी ने बोला कि आपके जो सीएम है योगी जी, ये जिले मैसेज दे रहे हैं कि हम घरों घर खाना पहुंचा रहे हैं, प्याज पहुंचा रहे हैं, आलू पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को फोन करा रहे हैं। तो भाई, इसकी सूची कहाँ है? क्या आपने 10-20 नंबर ऐसे रख लिया है, उसे फोन करा रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि हमने खाना दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में कितना खाना दिया है, कितने ट्रकों से दिया है, कितना फंडिंग दिया है, कितना अनाज पहुंचाया है, कितना अरेंजमेंट किया है, क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या? तो पांडे जी जो वहाँ के सीईओ है और एसडीएम मलिक साहब, हमारे लोगों को भगा दिया कि काम का नहीं है, जो कि वही के स्थान प्रभारी त्रिपाठी जी हैं, इतने सज्जन है, व्यक्ति हैं,
उन्होंने कोऑपरेट कर रहे हैं, जनता के घरों तक जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और डीजी जो हमारे बारसी जोन के हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, एसएसपी बारसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डीएम बारसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके वहां जो खाना वितरण किया जा रहा है उसकी सूची गवर्नमेंट तक भेजें, या नहीं सूची आपके पास में है, नहीं खाना दिया जा रहा है तो आप रिपोर्ट मीडिया को दें, जनता तक पहुंचाएं कि हमारी सरकार खोखली हो गई है, हमारी सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है, बदनाम कर रही है, कोई फंडिंग नहीं दे रही है। और आप सहयोग करें, हमारे कमेटी लोग जो सहयोग करें उनका हेल्प करें, जिससे कमेटी के लोग जनता तक लॉकडाउन के समय अनाज राशन सामग्री है पहुंचा सके। साथ साथ में मैं आर डीजीपी सभी डीजीपी सब मुख्य सचिवों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे कमेटी लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और राजस्थान में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, गोवा में जो हमारे अध्यक्ष हैं जो सपोर्ट करें, जनता को राशन पहुंचा रहे हैं और उनको खाना खिला रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करें, उनका हेल्प करें। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे आपका हेल्प चाहिए, मुझे खाली आपका यही हेल्प चाहिए। जो लॉकडाउन हुआ है जनता को खाना नहीं मिला है, गरीबों को अनुदान नहीं मिला है, हेल्प नहीं मिला है, उनका सहयोग करें जिससे हमारी कमेटी के लोग तक खाना पहुंचा सके, सहयोग कर सके। और साथ साथ में हमारे कमेटी लोग ये लॉकडाउन में जनता का सहयोग करें, हमारी यही एक हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। अब देखिए मैं जनता तक बताना चाहता हूँ कि कल मैं टेलीविजन में दिखा, मीडिया द्वारा मुझे जानकारी मिली, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष श्री अरविंद गौतम ने, साथ साथ में उमेश मौर्या ने, प्रभानी ने, काफी लोगों ने मुझे फोन किया, राजेश चौधरी ने मुझे फोन किया कि सर दिल्ली में निजामुद्दीन जो एक ऐसा जगह है वहाँ पर काफी ट्रेनें आती हैं, एक ऐसा धर्मस्थल है जहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर थाना। साथ साथ में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के अध्यक्ष हमारे उमेश मौर्या जी 24 आवर्स ये काम कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में जनता का हेल्प कर रहे हैं। आज 11:33 पर आज जो हमारे उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है, प्रधानमंत्री जी के मोदी का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर राजा तालाब एक जगह है जहां पर हमारे पीआरओ महेंद्र प्रसाद कुमार, साथ साथ में मौर्या जी, सुजीत कुमार जी जो अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रभारी जी हमारे राष्ट्रीय दशरा अधिकारी संजय कुमार सिंह जी, साथ में काफी प्रदेश के बड़े प्रभारी रात वहां पहुंचे हमारे गरीबों के लिए, जो लॉकडाउन में परेशान है, खाने का अरेंजमेंट किया। तो वहां पर जो एसडीएम है मलिक साहब रातलाव के, और वहां के जो सीओ हैं पांडे जी, अभिषेक पांडे आकर के हमारे कमेटी के लोगों को यह विवेचना किया, उनको खेद प्रकट किया, उनको धमकी दिया कि यह काम हमारी सरकार का है, ये काम आपका नहीं है, आप लोग खाना देना बंद करो। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हमारे सुजीत कुमार जी ने पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी सूची है, किसी फोन नंबर है, किसको खाना पहुंचाया है, किसको आपने दान दिया है, किसको आपने अनाज पहुंचाया है, क्या किसको आपने आज तक कोई सूची ऐसा है? तो उन्होंने बोले कि ये काम हमारा है, हमारे गोपनीय ये लिस्ट हमारी है। तो हमारे सुजीत कुमार जी ने बोला कि आपके जो सीएम है योगी जी ये जिले मैसेज दे रहे हैं कि हम घरों घर खाना पहुंचा रहे हैं, प्याज पहुंचा रहे हैं, आलू पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को फोन करा रहे हैं। तो भाई इसकी सूची कहाँ है, क्या आपने 10-20 नंबर ऐसे रख लिया है, उसे फोन करा रहे हैं और मीडिया को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि हमने खाना दिया है, आपने उत्तर प्रदेश में कितना खाना दिया है, कितने ट्रकों से दिया है, कितना फंडिंग दिया है, कितना अनाज पहुंचाया है, कितना अरेंजमेंट किया है, क्या जनता घुमा कर रहे हैं क्या? तो पांडे जी जो वहाँ के सीईओ हैं और एसडीएम मलिक साहब हमारे लोगों को भगा दिया कि काम का नहीं है, जो कि वहीं के थाना प्रभारी त्रिपाठी जी हैं, इतने सज्जन है व्यक्ति हैं, उन्होंने कोऑपरेट कर रहे हैं, जनता के घरों तक जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और लोगों का सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं
और रेड्डी जी जो हमारे बारसी जोन के हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी बारसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डीएम बारसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके वहाँ जो खाना वितरण किया जा रहा है उसकी सूची गवर्नमेंट तक भेजें, या नहीं सूची आपके पास है, नहीं खाना दिया जा रहा है तो आप रिपोर्ट मीडिया को दें, जनता तक पहुँचाएं कि हमारी सरकार खोखली हो गई है, हमारी सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है, बदनाम कर रही है, कोई फंडिंग नहीं दे रही है, और आप सहयोग करें, हमारे कमेटी लोग जो सहयोग करें उनका हेल्प करें, जिससे कमेटी के लोग जनता तक लॉकडाउन के समय अनाज राशन सामग्री है पहुंचा सके। साथ साथ में मैं आर डीजीपी सभी डीजीपी सब मुख्य सचिवों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे कमेटी लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, दिल्ली में, पंजाबी क्राइम नहीं हुआ, कभी दंगा फसाद हुआ, आप मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? भाइयों बंधुओं हमारे साथ अत्याचार मत करो, देश को बदनाम न करो। मोदी से मैं अपील करता हूँ जो मुसलमानों को बदनाम करे, मुसलमानों को खलील करने की कोशिश करे, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करें, देश को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि हमारी पांचों अंगुली बराबर नहीं है, अगर ये हमारे दसों की नहीं बराबर है तो हम किसको बोल सकते हैं? आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 19 में, 21 में हमको राइट दिया है, 48(2) में राइट दिया है। तो आपको जब पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, पद का मिसयूज न करो, सत्ता का मिसयूज न करो। हमारे सभी देश के, हमारे सभी प्रदेश के सीएम से रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है, डीजीपी से रिक्वेस्ट है, जो लॉकडाउन सीएम पीएम ने किया है इसका पालन करें, देश की जनता के साथ साथ दें, सहयोग करें, घरों घरों तक खाना पहुंचाएं, जनता को न्याय दें। कोई भी हमारा गरीब इंसान खाने में नहीं मरना चाहिए, खाने बिना वो परेशान नहीं होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो ये कमेटी लॉकडाउन के बाद जैसे 30/9/2019 को और 1/10/2019 को हमने जंतर मंतर पर आमरण पोषण किया था, पूरे देश की जनता ने देखा था, मीडिया हमारे साथ भी साथ दिया था, और उसी तरह से मैं पूरी सरकार को नंगा करूंगा। मैंने 30/9/2019 को घोषणा किया था कि दोबारा भाजपा सरकार हमारे मास्टर में नहीं आएगी, और नहीं आए। आप भाई हमारे केंद्र के मंत्री हो, हमारे सभी प्रदेश के जो भाजपा के लोग हैं, मंत्री हैं, आप देखो मैंने 30/9/2019 को क्या घोषणा किया था, 1/10/2019 को क्या किया था कि दापोली में जो अत्याचार किया था, दापोली विद्यापीठ है वहाँ कामगारों को निकाल दिया गया था, मैं यहाँ से 1000 कामगार लेकर दिल्ली गया था, मैं अनशन किया था, हमने उपोषण किया था, हमें बोला था अगर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनता को न्याय नहीं दिया, दापोली विद्यापीठ के साथ जो कामगार है न्याय नहीं मिला, तो मैं ऐसा पूरे भारत में अब उग्र आंदोलन करूंगा कि सरकार दोबारा नहीं आएगी। और मैंने वैसे किया, मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया भाजपा का कि भाजपा क्या काम की महाराष्ट्र में, हमने 12/2019 से 28/2019 तक हमने रैली निकाला था महाराष्ट्र में, और हमने महाराष्ट्र सरकार के कामों की समीक्षा किया था, अपने 5/3/2019 को हमने महाराष्ट्र सरकार को और 11/3/2019 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा था कि महाराष्ट्र सरकार की जो है ये डिफरेंट सरकार है, कोई काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आज तक रिपोर्ट की जांच नहीं किया और भाजपा सरकार महाराष्ट्र से चली गई, इसका किस तरह से हुआ आप पूरे इंडिया में देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, गृह मंत्रियों से, मुख्य सचिवों से, डीजीपी से, लॉकडाउन का मिसयूज न करें, जनता का सहयोग करें, जिससे देश की जनता काम करे, और साथ साथ में देश की जनता को भूखी न सोए, जिस जनता को खाना मिले और उनका उपचार करे, ट्रीटमेंट हो सके, जिस तरह से आज हमारा देश सुखी है, जनता सुखी है, सुखी रहे, कोई अत्याचार न हुए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सभी मुख्यमंत्रियों से कि आप लॉकडाउन के आप निष्पक्ष इसको शुभेच्छा दें कि लॉकडाउन हमारे 14/4/2020 तक सक्सेस हो जाए, हमारी कोरोना है बीमारी भाग जाए, हमारी ये शुभेच्छा है, शुभकामना है, सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है आप इसका सहयोग करें जिससे कोरोना का निपटारा हो जाए, देश की जनता सुख शांति से हमारे देश में आजादी से रह सके, ये हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। जय हिंद, जय हिंद। ये तो पावर हमारे होम मिनिस्टर सेंटर पास है। मैं ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे सामाजिक संस्था के आप एक अध्यक्ष अब रह चुके हैं, दिल्ली सीएम हैं, आपके आपके सहयोग से जनता को प्यार मिला है, साथ साथ में आपके सहयोग से इतना बड़ा वोटिंग मिला है, आप दो बार
वहाँ पर सीएम चुन के आए हैं, आप इसकी जांच कराएं। रिपोर्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो 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 गवर्नर है वहाँ के, जो एलजी है, रिपोर्ट भेजें। इनके सीपी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये ज्वाइंट सीपी जो जोन के हैं, डीसीपी जो साउथ साउथ ईस्ट के जो हैं, खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। थाना एसएचओ निजामुद्दीन खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जानबूझ करके वहाँ के ये इस गुनाह को छिपाया है। आईपीसी 120B के तहत प्लानिंग किया है, आईपीसी 201 के तहत इसके क्राइम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है। इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन मुस्लिम भाइयों की वजह से हमारा इंडिया चल रहा, भारत चल रहा, लेकिन उनको बदनाम करने की कोशिश किया जाए। कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास एक क्राइम करना चाहते हैं, उनकी वजह से पूरे इंडिया के मुस्लिम बदनाम हो जाएंगे। आप देखिए कसाब जैसे लोग हमारे इंडिया में आकर के क्राइम किए थे, कसाब का क्या हुआ? हमारे मुंबई के मुसलमानों ने उनको यहाँ पर दाह संस्कार नहीं करने दिया और जाकर उनका अपोज किया। हमारे इंडिया में आज ऐसे मुस्लिम भाई है, उनकी वजह से हमारा देश चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम न किया जाए, ऐसे लोग हैं। हमारे कम्युनिटी के देखे एडवोकेट मोहम्मद सैयद जो हमारे साथ आज 26 साल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एक ऐसे एडवोकेट हैं, उनके विशेष जो है एडवोकेट फातिमा सही जो कि हमारे कम्युनिटी के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं, जुड़े हुए हैं। 40 एडवोकेट की टीम उनके साथ में है। मैंने 2002 से 2006-07 तक हमने रैली निकाला, एडवोकेट मोहम्मद सैयद हमारे साथ में रैली में भाग लेते रहे, बस सोते रहे, कभी नॉनवेज यूज नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ नमाज पढ़ा, साथ साथ में हमारे साथ उस टाइम ऐसा था रोजा चालू था, रोजा उन्होंने खोला। मैं आप बताऊं, ईद हमारे साथ में बिजवारा में खोला, उन्होंने साथ में पकवान बनाया, खुद ने खाया, हमारे हिंदू भाई को खिलाया। तो ऐसे मुस्लिम भाई हमारे साथ में है, इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। एक मुस्लिम की वजह से पूरे इंडिया के मुस्लिम को बदनाम नहीं करना चाहिए। कल मैं काफी मीडिया देखा, लोग बोले कि मुसलमान आकर के इंडिया बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। सभी मुसलमानों को आप बहुत बदनाम करो, गुनाह है, क्राइम है, जो बदनाम कर रहा है उसके खिलाफ में जाओ। आज ऐसे मुस्लिम भाई है इंडिया में, हिंदू के साथ मिलकर के, देश के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब सभी को बदनाम न करो, राज्य के साथ खिलवाड़ मत करो, देश का खिलवाड़ मत करो, देश को खंडन मत करो। मैं उन भाइयों से, नेताओं से अपील करता हूँ कि जो अपने बाने पर लगाम लगाओ, देश की जनता को गुमराह मत करो, आप कट्टरपंथी मत बनो, देश के साथ अपमान मत करो। हमारे साथ हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई हिंदू भाई मिलकर के काम कर रहे हैं। दौसा ऐसे एक ऐसा गांव है जहां पर 90% मुस्लिम है। मैं 5 साल रैली निकाला, वहां पर कभी गुनाह नहीं हुआ, कभी क्राइम नहीं हुआ। मुबरा हमारा एक माफला कैसे जगह है, 6 लाख मुस्लिम है, कभी क्राइम नहीं हुआ, कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। आप मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? भाइयों बंधुओं, हमारे साथ अत्याचार मत करो, देश को बदनाम न करो। मोदी से मैं अपील करता हूँ, जो मुसलमानों को बदनाम करे, मुसलमानों को खंडित करने की कोशिश।